छोटे बच्चों के खाद्य पदार्थ बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नेस्ले की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेरेलेक नेस्ले द्वारा बनाया जाने वाला शिशु आहार है। मेडिकल स्टोर से सेरेलेक खरीद कर लाए शख्स ने जब पैकेट खोलकर अपने बच्चे को खिलाया तो बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पैकेट खोलकर देखा गया तो घर वालों के होश उड़ गए। सेरेलेक के पैकेट में रेंगते हुए कीड़े और मरा हुआ चूहा मिला। जिस पर युवक ने कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई। मामला कमरौली थाना क्षेत्र के पूरे मोती शुक्ल गांव का है। गांव के ही प्रेमनाथ शुक्ला ने 15 मई 2021 को जगदीशपुर के एक मेडिकल स्टोर से नेस्ले का सेरेलेक खरीदा था, जिसकी पक्की रसीद भी उनके पास मौजूद है। दो दिन पहले की बात है, तो जब मैं वहां पे गया लाया, उसके बाद शाम हो गई थी। शाम के बच्चे को जब मैंने उसको घोल के चटाया तो दो बार बच्चे ने चाटा, उसके बाद उकलाई करना चालू कर दिया। तो उसके उपरांत में हमने कहा इसकी इच्छा नहीं बच्चे की खाने की, चलो सुबह खाया जाएगा। जो है सुबह जब हुआ, सुबह मैं उस बच्चे को फिर दिया गया तो फिर उकलाई चालू किया, तब मैंने उसको फाड़ा पलट दिया उसको पूरा। हमने कहा कोई दिक्कत जरूर है, पहले तो खाती थी ये। उसके बाद में जब उसमें इतने इतने कीड़े जो है और मरा हुआ चूहा, उसमें हड्डियां से पूरा जो है जो दिखाई पड़ रहा है, हम आपको अभी अवगत कराएंगे। जो है फाड़ने के बाद उसको आप देखते तो जो हम उससे बच्चे के हमारे जो स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया और बुखार आ गया जो है, तो तिवारी डॉक्टर के यहाँ से जो है हम पर्चा बनवा के सिरप रखे हैं। अभी भी सिरप जो है उसको सुबह शाम पिलाते हैं, तो उससे का बुखार जो है। इसकी कहीं शिकायत की आपने? शिकायत हम तुरंत गोपाल मेडिकल स्टोर गए, उसके बाद उनको अवगत कराया, तो पहले तो आव भाव बताना चालू कर दिया कि मेरी इसमें कोई वो नहीं, फिर अपना जो है एक्सपायर डेट देखना चालू कर दिया। तो एक्सपायर डेट तो वैसे ठीक थी, तो उसके बाद बोले कि इसमें हमारा दोष नहीं, ये कंपनी वालों ने माल पैक करते हुए भर दिया इसमें। तो हमने कहा अब आप क्या चाहते हैं? अब आप हम यही चाहते हैं कि इसको जो है कार्रवाई की जाए। अभी हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो गया होता, इसका जिम्मेदार कौन होता? व्यक्ति का कहना है कि कंपनी की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की तबीयत 3 दिन से खराब है। वो चाहते हैं कि प्रशासन नेस्ले कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। कृष्ण कुमार, नमामि भारत, अमेठी।